हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ते हैं क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स, पेज नंबर 3। टॉपिक है आपका द फिश टेल। ओके, टू सी द डिफरेंस बिटवीन व्हेल्स एंड फिश लुक केयरफुली देयर टेल्स। यहाँ पर आपको डिफरेंस टाइप की फिश दिख रही होंगी। ओके, व्हेल है। आप केयरफुली एट देयर टेल्स, केयरफुली इनकी टेल्स देखिए। कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड्स फ्लैट अलोंग इट्स बॉडी। यहाँ पर फिश की टेल कैसे दिख रही है? स्टैंड्स फ्लैट अलोंग इट्स बॉडी, आई मीन उसके बॉडी के साथ सीधी हुई दिख रही है, ठीक है। बट द टेल ऑफ द व्हेल ऑलमोस्ट लुक लाइक टू लेग्स। आप यहाँ पर व्हेल की टेल देखिए कैसी दिख रही है? ऑलमोस्ट लुक्स लाइक टू लेग्स। ओके, टू लेग्स की तरह दिख रही है। कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर? यहाँ पर पिक्चर में देखिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्कूल ऑफ फिश। अब स्कूल क्या होता है आप तो सभी जानते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों का स्कूल है वैसे ही किसका? फिश का स्कूल होता है। देखते हैं हम, फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन बिग ग्रुप्स कॉल्ड अ स्कूल ऑफ फिश। यहाँ पर पहले आप देखिए पिक्चर दिख रही होगी आपको, एक दिख रही है यहाँ पर क्या, बिग ग्रुप्स, आई मीन एक बहुत बड़ा समूह बना लेती हैं, ग्रुप्स में तैरती हैं। फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन बिग ग्रुप्स कॉल्ड अ स्कूल। मतलब जो बिग ग्रुप्स में जो तैरती हैं, स्विम करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कूल ऑफ फिश, फिश का स्कूल। इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश। वो अब स्कूल में ग्रुप में आपको फील सेफ फील करती हैं, किससे? बिगर फिश से, बड़ी मछलियों से। डू यू फील सेफ इन योर स्कूल? क्या आप अपने स्कूल में सेफ फील करते हैं? यस एंड नो? यस। ओके, नेक्स्ट पेज है आपका, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। टू स्केयर अवे द बिगर फिश सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप अ लॉट ऑफ वाटर स्वेल अप एंड लुक बिग। आई मीन टू स्केयर अवे द बिगर फिश, बिगर फिश को डराने के लिए सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप अ लॉट ऑफ वाटर। जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा पानी पी लेती हैं, स्वेल अप एंड लुक विग, और वो फूल जाती हैं और विग दिखती हैं। जैसे कि लुक यार, ये स्मॉल फिश है, अब स्मॉल फिश है, फिश अब यहाँ पर देखो उसने पानी पी लिया है तो वो फूल गई है। ये देखिए अब ये बिगर फिश की तरह दिख रही है ना, इसीलिए वो क्या, टू स्केयर अवे द बिगर फिश, आई मीन बिगर फिश को डराने के लिए वो ज़्यादा पानी पी लेती हैं और फूल जाती हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। फिशर इन दियर, फिशरमैन इन दियर बोट्स, ठीक है। अब यहाँ पर फिशरमैन के बारे में पढ़ेंगे हम। हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन द सी? क्या आपने समुद्र देखा है? वेयर डिड यू सी इट? तुमने कहाँ देखा है? डिड यू सी इट इन अ मूवी और फॉर रियल? क्या आपने मूवी में देखा है या रियल लाइफ में देखा है? हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड वी फाइंड आउट? क्या आप सोच सकते हैं समुद्र की गहराई कितनी होती है? डू यू नो हाउ टू स्विम? क्या तुम्हें तैरना आता है? डू यू नो हाउ टू स्विम? वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स? क्या आपको ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है? स्केयर्ड फॉर द हाई वेव्स, आप बताइए, यस एंड नो? नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम। अब आप अपनी
आंखें क्लोज कीजिए, देखते हैं क्या लिखा है। क्लोज योर आईज एंड इमेजिन द सी विथ वेव्स राइजिंग हाई। आप सोचिए कि कितनी ऊंची हो सकती हैं समुद्र की लहरें। नेक्स्ट है, हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो। क्या आप सोच सकते हैं कि कितनी ऊपर उठ सकती हैं सी वेव्स। ओके, यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही हुई, देखो कुछ स्टूडेंट्स हैं, सो सी का सी पिक्चर्स है। ओके, नेक्स्ट है आपका, इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स। यहाँ पर इमेजिन कीजिए, ये देखिए फिशरमैन हैं। ओके, फिशरमैन इन बोट्स गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स। दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज स्टिल डार्क। सम गो ऑन अ सिंपल बोट मेड फ्रॉम लॉग्स ऑफ वुड टाइड टुगेदर। इट द सी इज रफ विथ वेरी हाई टाइड्स एंड अ स्ट्रॉन्ग विंड। देन दीज फिशरमैन हैव अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। यहाँ पर देखिए सिंपल बोट है जो किससे बनी हुई है, लकड़ी से बनी हुई है। ओके, इसको क्या बोलते हैं, लॉग बोट। नेक्स्ट है आपका, दिस लॉग बोट डू नॉट गो वेरी फार इफ द वाइंड इज हेल्पफुल। क्या है ये, मतलब लॉग बोट जो होती है वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन हावर। ओके, यहाँ पर देखिए आप लॉग बोट का पिक्चर दिख रही हुई है, ठीक है, कुछ लोग हैं जो उसको चला रहे हैं। यहाँ पर है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आंसर है जो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। फिशरमैन कैन फील द वाइंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। मैनी ऑफ अस वुड गेट लॉस्ट एंड नॉट बी अवेल टू फाइंड अवर वे ऑन द सी वेयर यू ओनली सी वाटर वाटर एंड नथिंग एल्स। आई मीन जो फिशरमैन होते हैं, ठीक है, उसका क्या बताया है उन्होंने, वेयर यू ओनली सी वेयर यू ओनली सी वाटर वाटर एंड नथिंग एल्स। जो फिशरमैन होते हैं जो समुद्र में फिश पकड़ने जाते हैं, समुद्र में सिर्फ क्या दिखता है, ओनली सी वाटर वाटर, मतलब पानी ही पानी, एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। फाइंड आउट, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइज। आप सन देखिए और डायरेक्शन फाइंड आउट कीजिए। वेयर फ्रॉम वेयर यू आर व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू योर ईस्ट। आपके आसपास कुछ इंटरेस्टिंग थिंग, कुछ ठीक है, सी टू योर ईस्ट, देखिए कुछ इंटरेस्टिंग बस चीज़ें दिखती हैं या नहीं। नेम टू थिंग्स दैट आर लेइंग टू योर वेस्ट। आप कोई दो वस्तुओं के नाम बताइए, थिंग्स जो आपके वेस्ट में है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट अ कैच। वाह, व्हाट अ कैच। आउट ऑन द सी फिशरमैन लुक फॉर अ प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड अ गुड कैच ऑफ फिश। यहाँ पर देखिए आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे, ठीक है, पिक्चर में, यहाँ पर वो क्या मछलियाँ पकड़ के लाए हुए हैं। ओके, कैच, दे स्पेड देयर नेट्स, दे विल हैव टू वेट फॉर मैनी आवर्स फॉर द फिश टू कम इन टू देयर नेट्स। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए किसका यूज करते हैं वो लोग, नेट्स का। ओके, फिशरमैन, फिर वेट, दे विल हैव टू वेट फॉर
मैनी आवर्स वो वेट करते, मैनी आवर्स कई आवर्स फॉर द फिश टू कम इन टू देयर नेट्स, नेट्स में आने के लिए, ठीक है। लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट बोट्स, यहाँ पर आप देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स हैं। ये कौन सी बोट्स है, कौन सी बोट्स बोलेंगे इसको, और बोट, ओके, थैंक यू। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, वर्कबुक से, ओके।